आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग भी वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने में जुट गया है। चुनाव आयोग के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेंद्र कुमार रतन ने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा 23 व 24 फरवरी को सभी पोलिंग बूथों पर शिविर लगाकर मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नए मतदाताओं को भी मतदाता सूचियों में जोड़ा जाएगा। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उनका ये और हमारा प्रयास है कि जितने हमारे एलिजिबल सिटीज़न हैं उन सब का वोट बन जाए और जिनके वोट बने हैं उनके इलेक्टोरल में सही नाम भी हो। अगर किसी के पास एपिक है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अगर उसका नाम इलेक्टोरल में नहीं है तो वोट नहीं डाल पाएंगे। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अगर किसी का एपिक है तो वो इलेक्टोरल में अपना नाम देखें और ये देखें कि क्या वो सही उसमें ऐड हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो इसकी पुष्टि करने के लिए 23 फरवरी और 24 फरवरी को स्पेशल कैंप लगाए जा रहे हैं। हर हमारे जो पोलिंग बूथ हैं उस पर ये कैंप लगेंगे। हमारे हिमाचल में 7723 पोलिंग बूथ हैं, उन सब पे इन दो डेट्स को 23 फरवरी और 24 फरवरी को हमारे BLO साहिबान बैठेंगे और उनके पास इलेक्ट्रोल की कॉपी होगी और जो हमारे इलिटरेट जो अनपढ़ मतदाता हैं उनके लिए वो इस लिस्ट को पढ़ के सुनाएंगे और अगर उसमें अशुद्धि पाई जाती है कोई तो उसके लिए करेक्शन करने के लिए उनको बताएंगे। और साथ में एक जो और प्रयास है कि जो हमारे 18 और 19 साल के जो नए युवा लोग हैं उनकी रजिस्ट्रेशन अभी हमारे पास कम हुई है तो उसको बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है और इनको भी जो है फॉर्म नंबर 6 होते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए उनको दिए जाएंगे और जो है उनको जितना हम ज़्यादा एनरोल कर पाएंगे उतना प्रयास किया जाएगा। जिसके लिए आज CEO साहब ने मीटिंग ली है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के इसमें प्रतिनिधि शामिल हुए, उन सब से अनुरोध किया गया कि जो उनके BLA हैं उनको भी फील्ड में कहें कि हमारे जो BLO हैं और जो अन्य कर्मचारी इसमें तैनात किए गए हैं उनका सहयोग करें और इस जो हमारे जो कैंप हैं जिसका उद्देश्य ही इसका जो है जो विद्यमान हमारे मतदाता है उसकी पुष्टि करने के लिए है वो सब करवाएं। और साथ में आपको ये भी बताना चाहता हूँ जो हमारे 24 फरवरी को है उस दिन जो है ग्राम सभा की एक विशेष बैठक होगी और उस बैठक का उद्देश्य भी यही है कि जो हमारे मतदाता है वह अपनी सूची में अपना नाम देखें, पुष्टि करें और अगर उसमें कोई करेक्शन की ज़रूरत है तो उसको करेक्ट कराएं। अगर उसका नाम नहीं है तो उसके लिए जो फॉर्म 6 भरें और अपना पंजीकरण कराएं और आने वाले जो लोकसभा के चुनाव हैं उसमें अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।